सुप्रीम कोर्ट में इन री मंदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये केस है एजीआर ड्यूज का केस, यानी एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनियों को जो है भारत सरकार को देना है, उसी के संबंध में ये केस है। पिछले साल जजमेंट आई थी और उसमें कहा गया था कि टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको अपने बकाया एजीआर ड्यूज देने हैं। इसमें 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है भुगतान टेलीकॉम कंपनियों को करना है और इसमें भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इनका तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए का भुगतान था, जिसमें एयरटेल ने तकरीबन 25,000 का कर दिया है, बाकी उसका बकाया है। तो इस तरह से सभी कंपनियों को लगभग में एजीआर का बकाया देना है। अब रिसेंटली जो हियरिंग हुई थी उसमें जो आरकॉम है, यानी कि जो अनिल अंबानी की कंपनी है, उसका ऑलमोस्ट दिवालिया होने वाला है और उधर से जो जियो है वो उसके स्पेक्ट्रम का यूज कर रहा है। और पिछले हियरिंग्स में ये कहा गया है कि जो स्पेक्ट्रम है वो सरकार की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसे कोई भी अगर यूज करता है तो उसका भुगतान सरकार को वो कंपनी करेगी। अब जैसे कंपनी आरकॉम के पास स्पेक्ट्रम है और उन्होंने अपना स्पेक्ट्रम यूज करने के लिए दे दिया जियो को, तो इस सिचुएशन में कोर्ट ने कहा है कि आरकॉम और जियो के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कोर्ट के सामने रखा जाए और सरकार से भी पूछा है और बाकी जो कंपनी है जैसे जिनका दिवालिया हो गया है और दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैसे एयरसेल, एयरसेल सेलुलर और डिसनेट वायरलेस लिमिटेड वगैरह जो कंपनियां हैं जो बंद हो गई हैं, उनका स्पेक्ट्रम कौन यूज कर रहा है और क्या उसकी फीस आ रही है, ये सब जो है कोर्ट ने अपने सामने रखने के लिए इन कंपनियों को और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, दूरसंचार विभाग है, उनको कहा है। इसमें कई कंपनियां ऐसे कह रही हैं कि उनके पास पैसा नहीं है और इमीडिएटली वो पैसा दे नहीं सकती और इमीडिएटली देना पड़ेगा तो उनका दिवालिया निकल जाएगा और इसीलिए वो कुछ वर्षों का समय मांग रही है कि अगले 10 साल में, 15 साल में या 20 साल में एक इंस्टॉलमेंट बेसिस पे वो उस पेमेंट को कर पाए। तो अभी रिसेंटली ये इश्यू आया था कि जो दिवालिया कंपनी, जिन कंपनियों का दिवालिया निकल रहा है, दिवालिया हो रहा है और प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या वो स्पेक्ट्रम भी बेच सकती है, तो उसमें सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो स्पेक्ट्रम है वो सरकार की संपत्ति है, इसे कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बेच सकती, वो केवल यूज किया जा सकता है और उसे यूज करने के लिए जो कंपनी यूज करती है उसको पैसा देना पड़ता है। नमस्कार, धन्यवाद।